जैसा आपको बताया था कि ब्रेकआउट फिन निफ्टी में 21,400 के ऊपर ही आएगा, उससे पहले इस एरिए में, क्योंकि यहाँ डेमा एमा एमा इन्हीं के बीच में घूमती रहनी थी, तो मार्केट एक नो ट्रेड जोन में है। ऐसी इस तरह की मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ से पैसे गंवाने वाला काम होता है। और मिड कैप निफ्टी में आपको बताया था 10,507 के ऊपर ब्रेकआउट, 10,534-550 तक के लेवल आपको देखने को मिले और शानदार ब्रेकआउट आपको इंजॉय करने को मिला। ये कैसे मिला, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही आपको बता देते हैं कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, कहाँ ब्रेकआउट, कहाँ ब्रेकडाउन। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो हम सुबह सुबह जो चीज़ बताते हैं उससे ही आपको पूरी पिच क्लियर हो जाती है। और इसके अलावा नीचे आपके डीमैट अकाउंट के जो लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम आते हैं रुपये पर। तो देखिए रुपये में मैंने आपको पहले से गा किया था कि भैया अब रुपया मजबूत हो रहा है, तो आपने डाउन साइड ज़्यादा देखना है, गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, सपोर्ट बिल्कुल नहीं खरीदनी। वही काम हुआ और आपने देखा कैसे जोर से गिरा है रुपया। रुपया मतलब कि जोर से मजबूत हुआ है रुपया, गिरा नहीं कहना चाहिए, मजबूत हुआ है। तो क्योंकि इसमें लैंग्वेज उल्टी चलती है, तो 83.08 आपको बताया था यहाँ सर्कल मार्केट कि इसके नीचे और सेलिंग बढ़ने के चांसेस हैं, तो बढ़ी। अब 82.78 भी टूटा तो और भी ज़्यादा, मतलब रुपया देखा जाए तो कम से कम $2 मजबूत हो गया है, कम से कम काफ़ी। अभी और भी इसके ज़्यादा मजबूत होने के चांसेस रहेंगे मेरे हिसाब से, 78-79 तक ये जा सकता है ऐसे ही मजबूत होता हुआ। तो उसके बाद अगर हम आए स्टॉक्स पर, तो इसमें भैया कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो आपकी मर्जी। हम मेरा काम है आपको चार्ट पे जो स्ट्रॉन्ग है स्टॉक्स वो बताना, कि उनमें कोई पैटर्न बन रहा हो तो वो बताना। तो देखिए अगर हम देखें इंडस बैंक, तो एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये पहले भी मैं कई बार यहाँ से भी बता चुका हूँ कि ब्रेकआउट दे रहा है और काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है ये। और भारतीय एयरटेल भी आप देखेंगे वी शेप रिकवरी, ये पहले भी बताया था कि इसने भी वी शेप रिकवरी में अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और उसके बाद इन्फोसिस, ये तो आपको पता है रिजल्ट भी अच्छे आए हैं इन्फोसिस के, TCS, HCL, Tech4, ये सारे जितने भी हैं, जितने भी IT सेक्टर स्टॉक है सब अच्छा कर रहे हैं। तो IT सेक्टर का कोई भी स्टॉक आप देख लीजिए, सबके चार्ट अच्छे हैं, सब बढ़िया है। परसिस्टेंट लगा लो, वो लगा लो, A to Z सारी IT सेक्टर खूब अच्छा भाग रहा है। तो IT सेक्टर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो IT सेक्टर हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया और इंडस बैंक। अब उसके बाद अब हम अगर आए फिन निफ्टी पे, तो फिन निफ्टी में क्या पोजीशन बन रही है। देखिए फिन निफ्टी में सपोर्ट कहाँ है, फिन निफ्टी में वही सपोर्ट है 21,062 से लेकर 21,141 के आसपास ही सपोर्ट है। वो लग बात है कि आपको फ्राइडे को यहाँ सपोर्ट लेते हुए हुआ है, वैसे तो यहाँ 20 EM है, तो यहाँ पर भी आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं 21,200 पर। ये थोड़ी सी वीक सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर की ओर जो लेवल रहेंगे 21,300, 361, 391। अब ब्रेकआउट जो बनता है, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट वाला, वो बनता है 21,446 के ऊपर, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस वहाँ तब निकल जाएंगे। तो 21,450 के ऊपर ब्रेकआउट, और जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे 21,490, 529, 600 और 650। बाकी 650, 600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते रहेंगे। तो ये एरिया काफ़ी खतरनाक है 600 से 650। तो उसके बाद हम आते हैं मिड कैप निफ्टी में। तो मिड कैप निफ्टी में जो सपोर्ट अब है, वो पहले तो 10,440 एक बड़ी सपोर्ट है, छोटी सपोर्ट 10,500 पे भी है, और इम्पोर्टेंट लेवल 10,524-554। बाकी ब्रेकआउट जो फ्राइडे का हाई अगर उसके ऊपर निकलता है तो उसके ऊपर ब्रेकआउट ही है 10,572-585-600। बाकी 10,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा। और मार्केट कैसे खुलेगी वो आपको दूसरी वीडियो में भी समझा दिया काफ़ी डिटेल में, कि मार्केट गैप अप खुलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी यहाँ पर भी अब जो सेकंड ब्रेकआउट है, ये तो फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट 10,652 के ऊपर आप सोच। तो ये है पूरा प्राइस एक्शन मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।